ओ सेंटर दे कई पिठू साडी ओ छाती पितल भर गए जेलां दे विच मेंटल करते प्रोफेसर पुलर वर गए। जे कही कल बब्बू मान आए बब्बू मान लैके भी जो भी उरे कई नाम इस तरह के कई बब्बू मान तो पहला भी जिहड़े आए तो आखिरकार उन्होंने थोड़ा थोड़ा सवाल जवाब कहिंदे तां सवाल जवाब हुंदे आ पर आपां ओह कई बार तकरार वध जांदी है। जे तुसीं किसे नाल गल करनी है तां तर्क नाल करो जी अपना लड़न ते आ जाइए गालां ते आ जाइए इट मीन्स तुसीं गलत हो। कदों छड़ना बंदी सिंगा नू कदों छड़ने दस खबारे ओ मर्दां दे नाल मत्ता एवें लाना तू सरकारे। जदों राजीव गांधी दे कातलां नू छड़ सकदे आ सरसे वाले नू छड़ सकदे आ तां सिंगा ने जिन्हां ने अपनी सजा भुगत ली है तां उन्हां नू क्यों नहीं छड़िया जा सकता। ਗਾਂਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 47 ਤੇ 84 ਚੇਤੇ ਕੱਲੂ ਕਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਐਵੇਂ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। इस कड़ी दे विच भी ये बंदी सिंघां नूं लैके गाना किया है क्योंकि मैं परसनली लगता है कि ये ना किसी कौम का मुद्दा है ना ये धर्म का मुद्दा है कोई मनुखी अधिकार की गल ज़्यादा बड़ी तो इन्हां दे रिएक्शन बहुत रहे ने एक्शन के बदले तो उस चीज़ में कितना ना कितने मन च आउंदी नहीं गल गल तो आउंदी है हो सकता है भी मैं भुगतना भी पवे है ना। सत श्री अकाल जी बंदी सिंघां दे मोर्चे नूं लैके हर दिन देख रहे हैं अपडेट बहुत वड्डी गिणती च संगत आ रही आ ते नाल नाल संगत दे आउण दे नाल ही ये कहा जावे सबबे बनदा नज़र आउंदा कि आखिर जिथे लोक शक्ति जुड़ गई आ तां उदों बाद दे विच सरकारां वी झुकणगियां। अंदोलन वेले पिछली बारी देखिए वो एक्सपीरियंस बारी बारी तां याद करना पैंदा क्योंकि उहने बहुत चीज़ां सिखाईआं लोकां नूं। उसे दे चलदे देखिया जावे तां जिस तरहां दे नाल संगीत जगत ने भी आपदा हिस्सा पाया दुबारे फिर शुरुआत हो गई। रेशम सिंह अनमोल साडे नाल ने ते इहनां दा एक नवां गाणा आया अनमोल जी देखिए भी कितना ना कि उन्ना ही जरूरी हो जाता लगता भी जो नौजवानों से जज्बा भरना होंगे अंदरों भी जब तक नहीं बोलता भी हाँ असं उत्थे जाइए जज्बा खड़ा हो कितना कि संगीत की जी है कहते उन्होंने डोज लाजमी हो जाती है। बिल्कुल जी संगीत जोड़ा एक मैं समझदा ये बेस्ट ड्रग है ना जो आप नशे की गल करिए ना जिन्हों भी नशा लग गया संगीत का दूजा जिम का एक्सरसाइज का ये बहुत वधिया नशे ने और मैं अपने आप नूं लक्की समझदा कि मैं ये दोवें नशे ने साडे कोल ते बाकी चाहे किसानी अंदोलन की गल करिए उत्थे भी साडे सारे कलाकार भाईचारे ने राइटर ने म्यूजिक डायरैक्टर ने और वीडियो डायरैक्टर ने है ना बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए सारे का वड्डा योगदान रहा यूथ तक अवेयरनैस पहुँची है ना। कई बार यूथ नूं एक्चुअली पता नहीं हुंदा कि मुद्दा की आ ये साडा मीडिया का साडा कलाकारां दा फर्ज बनता है कि मुद्दा की आ दिल्ली नहीं जित के पंजाब चलिया जिदा गाना सीगा है ना लोगों ने बहुत सारा उन्होंने प्यार दिता अंदोलन के अज भी इतने धरने पर मैं दूजी बार पहुँचा और गाना भी अपना बंदी सिंघां ते रिलीज़ किया है। मैंने लगता है शायद नवी पीढ़ी को दसना जरूरी है मनुखी अधिकारा का घाण हो रहा शायद कई नहीं पता। उस तो पहला मैं थैंक्स करदा जिहड़े आप इतने बैठे हाँ भाई रेशम बीरा इधर है पिछे बाई का नाम की है संदीप इधर बिल्ला ढालीवाल जेडे सैनेट के मैंबर भी ने और इन्होंने सैनेट के इलैक्शन लिए बहुत बड़ा धरना यूनिवर्सिटी जोर लाया इन्होंने यूनिवर्सिटी रविंदर ढालीवाल बिल्ला फिर राइटर भी ने मैं काफ़ी इन्होंने गाने हूँ कर रहा अगे हूँ भी यारी गाना रिलीज़ होया तो इन्होंने इतने जी सत्त बनाई हुई है। मैं यूथ को कहना चाहना तुम इतने धरने पर पहुँचो तुम बोर नहीं हो गए थोड़ा इन्ना व्डा खजाना इन्होंने भरावान ने सारे ने मेहनत करके है ना चंगिया चंगिया किताबा मैं पता वा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से ना बहुत इन्हें अपनी जिंदगी दे कीमती जड़ा कटाए मैंने उत्थे बिताया इन्हों सारे रेशम भाई बैठा रेशम गुदारा जी इन्हों इतिहास बारे बहुत नॉलेज है मैं काफ़ी कुछ इन्हों तो सीखदा और इतने इन्होंने किताबों की स्टॉल लाई हुई है सारे आके इतने आए तुम बोर होंगे थोड़ा बहुत कुछ सीखने मिलेगा और गल कर रहे थे आप आर्टिस्टा की कलाकारा का बहुत वड्डा योगदान होंगे क्योंकि आम तौर पर होंगे यह है भी बहुत सारिया कई चीज़ा ना जिम्मे कह दिए साढ़े इतिहास ने भी कई चीज़ें इस तरह के नाल उलझा रखिया ने लोग समझ नहीं पाते खास करके हूँ की जनरेशन की गल करते हैं तो कही जो सोंग है वह जिम्मे शुरुआत होंगी है पड़ाव दर पड़ाव जो कही बहुत शॉर्ट टाइम के बंदा समझ सकता भी की हो गया तो असी की करना है अगे। हाँ जी एक तो साढ़े गुरुओं ने ना सानू दसवंध की एक आइडियोलॉजी दिती है कि अपने जो भी थोड़ी कमाई है ना 10% चंगे कामों लिए कढ़ो है ना
मेरी स्टेज दी जर्नी टिप हुंदी आ। साडे पिंड दे विच गुरू घर बन रहा सी, पहले 8-9 सालां तों मैं उत्थे लांदा रहा, हुण कंप्लीट हो गया। या वह भी आपां कितें चंगे काम ते ला दिंदे आ, उह साडा पैसे दा दसबंध हो गया। दूजा एक कला दा भी दसबंध हुंदा है ना, रब ने सानूं गायकी दित्ती है। साडा हुंदा कि हर साल घट तो घट ना कमर्शियल गाणिआं दे नाल नाल इक दो गाणा सोशल या समाज लई या शहीदां लई कीता जावे जी। इस कड़ी दे विच आपां गाणा कीता सी माता गुजरी दे पोते, या एक मैं गाणा कीता सी साडे ड्रिंक एंड ड्राइव ते, या साडे देश दे विच बिना हैलमेट तों बिना सीट बैल्ट तों किन्नीआं मौतां हो रहीआं ने, चलान गाणे दा नां हैगा। शायद मैं पहला कलाकार हाँ इस टॉपिक ते किसी ने अज तक गाणा नहीं कीता। वह गाणा कीता सी किसानी अंदोलन दे विच, दिल्ली नहीं जित के पंजाब चलिया, या नानक तेरे लोक तरस दे वेखण लई ननकाणे नूं, है ना। पर यह अलग गल है, लोग गाने ज़्यादा सुनते नहीं उदा के गाने, पर साडा फर्ज बनता आपां अपना दसवंध कढ़ीए। इस कड़ी दे विच भी ये बंदी सिंघां नूं लैके गाणा कीता है, क्योंकि मैनूं परसनली लगता है कि यह ना किसी कौम का मुद्दा है, ना ये धर्म का मुद्दा है कोई, ये मनुखी अधिकारां दी गल ज़्यादा वड्डी है। हाँ जी, इंसानियत की गल है। साडी आइडियोलॉजी भी जिहड़ी है, हुण गुरु तेग बहादुर ने जदों कुरबानी दी, उन्होंने ये थोड़ा देखिया सामने पंडित बैठे आ, हिंदू बैठे आ, मुसलमान, ये नहीं गल हैगी। ये जुल्म मुसलमान ते हुंदा, ईसाई ते हुंदा, उन्होंने कुरबानी तां भी देनी सी, है ना, क्योंकि वह तो एक ओंकार नूं मनण वाले लोग ने। गुरु अपना साहिबजादियां ने कुरबानियां दित्तियां, वह भी है ना, आपां कह दिंदे आ फलानी चीज़ लई या सिक्खी लई, ना 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 ना, मनुखी अधिकार। क्योंकि औरंगजेब जिहड़ा सीगा, इत्थे दलतों के जुल्म बहुत हो रहे थे, किसी की जनानी पसंद आई वो चक लैनी, है ना, कि किसी नूं बैन करता सी तुसी धार्मिक स्थानां ते नहीं, तुसी घोड़सवारी नहीं कर सकते, है ना, वो साडा हक है। तो दशम पिता ने देखिया यार भी मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा, तो उन्होंने सिख आइडियोलॉजी नूं एक खालसा आर्मी का नाँ दिता सीगा, भी यार एक आर्मी की लोड़ है, एक फौज की लोड़ है, एक जज्बे की लोड़ है। तो उही आइडियोलॉजी साडी हुण है कि जदों राजीव गांधी के कातलां नूं छड्ड सकते हैं, सरसे वाले नूं छड्ड सकते हैं, ता सिंघां ने जिन्हां ने अपनी सज़ा भुगत ली है, तो उन्होंने क्यों नहीं छड्डिया जा सकता। तो ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि मनुखी अधिकारां लई सारे इंसान अपनी जात धर्म कौम नूं थले छड्ड के एक इंसान होने के नाते सपोर्ट करो इस धरने नूं, ताकि बंदी सिंह बाहर आ सके। पर इहदे च एक चीज़ होर देखते हैं कि जदों भी कोई लहर चलती है अंदोलन वेले की गल कर लो, उस बाद च भी जिहड़े जिहड़े भी मोर्चे जां अंदोलन होंदे रहे, विचारां तकरारां भी बहुत चलदियां ने। सोशल मीडिया कई इहदा माध्यम बन गया, बड़ा सौखा, क्योंकि जे आमणे सामणे तां जे फिर भी कई बार बंदा हो सकदा चिपके चुप कर जाए, पर उत्थे हरेक बंदा चंगा भी बोलदा माड़ा भी बोलदा। इत्थे भी जे देखिए कई चीज़ों लैके विचार तकरारां चलदियां ने, उहनूं किन्ना कु समझदे तुसीं कि आखिर उहनां तों परे रहण दी, जां ठीक है कि वह उहनां दा आपदा थां है, पर जदों जिस टीचे वल वध रहे हैं जां चल रहे हैं उह तों तां कम से कम उहनूं दूर रखिए। देखो शो हर एक चीज़ के प्लस माइनस होंगे है, इदा ही सोशल मीडिया के भी ने, जिहड़ा आपां अंदोलन जितते हाँ सोशल मीडिया करके जितते हाँ, नहीं जो 84 के भी वर्तारा होया सी, जे सोशल मीडिया होंदा शायद नहीं सी होना, है ना। अंदोलन के भी मीडिया ने तो साथ, नैशनल मीडिया ने साडा दिता ही नहीं, वो तो सानू आतंकवादी फलाने, है ना, घोषित करन दे लग्गिया होया सीगा। पर सोशल मीडिया ते मैं थोनू एक गल दसदा, सानू पता नहीं लगता कदों साडा ब्रेन वॉश करता, कुछ फेक आइडिया बनाईया हुई ने हर एक तबके ने, है ना, कुछ कामरेड वर्सी सिख सानू बना देणगे, सानू नहीं पता लगता। वो कमेंट सानू इदा लगते हैं एक कम्यूनिटी ने किया है, तो फोटो भी गुरुआं दी लाईया होणगियां या माता जी दी लाईया होणगियां, है ना, तो गल कुछ होर करते हैं। वो फेक आइडिया समझण की लोड़ है। किसानी अंदोलन के अपने यही कुछ सीख्या कि किहड़ा बंदा उत्थे सानू लड़ा रहा, इस करके तो उत्थे कोशिश करो, जिहड़ा बंदा इंसानियत की गल करता, सरबत दे भले की गल करता, एक ओंकार की गल करता, उन्हूं सपोर्ट करो। जिहड़ा कट्टरता पैदा कर रहा चाहे किसी भी धर्म का, वो तो परहेज करन दी उन्हें जवाब देने की लोड़ है। ये जे कही कल बब्बू मान आए, बब्बू मान को लैके भी जदों भी उरे कई नाम इस तरह दे कि बब्बू मान तो पहला भी जिहड़े आए, तो आखिरकार उन्होंने थोड़ा थोड़ा सवाल जवाब कहिंदे तां सवाल जवाब हुंदे आ, पर आपां उह कई वार तकरार वध जांदी हैगी। इह चीज़ तो किन्ना कु लोड़ है कि आखिरकार इह चीज़ां च ना पईए, इहदा मैसेज ना जावे कितें कोई माड़ा। देखो एक कलाकार दे आउण नाल ना बहुत वड्डा फर्क पैंदा, है ना। जिद्दां मैं पहली बार, अज मैं दूजी बार आया उत्थे, है ना, जिन मेरी 2-4 इंटरव्यूज हुई हैं या मेरे सोशल मीडिया ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते मिला के 41-42 लाख के करीब फॉलोअर ने, है ना, जदों मैं उत्थे चीज़ अपलोड करदा बहुत वड्डा मैसेज आता। बब्बू भाई ने पहला भी बंदी सिंघां दी गल कीती है, जे वो इत्थे आए ने तो सानू सत्कार देना चाहिए, उस नाल बहुत वड्डा असर पैंदा। हाँ जे आपां गल करदे हां क्वेश्चनिंग दी, है ना, जे गल करनी है, तुसीं कदे गुरु नानक साहिब दी साखियां पढ़ के देखो, गुरु नानक साहिब ने जिन्नी बाणी उच्चारण कीती है
वो सारी अपना तर्कशील वाली गल है, गलबात है सारी, है ना। कुछ कही है, कुछ सुनी है, जिन्नी भी बाणी उच्चारण की है, चाहे भंड जमी है भंड निमी है गुरबाणी है। उन्हों का विह कराया गुरु नानक साहब ने ताज़ा ताज़ा, चरपटनाथ गुरु गोरखनाथ जी का चेला से। वो कहिंदे सी अपने देश दे विच मन्निया जांदा सी कि औरत नरक का द्वार है। गुरु नानक साहब ने विह कराया तो वह कहिंदा मैथों दूर हो जा हरे हरे, भी तू तो नरकों च जाएगा। तो बाणी उच्चारण हुई सी भंड जमी है भंड निमी है, इन्ना ही मास मास कर मूर्ख झगड़ा है या सिद्ध गोस्ट है, जिन्नी भी बाणियां ने बाबे नानक जी ने ओकेजनली लोगों तर्क दे नाल गल की है। जो तुम किसी गल करनी है तो तर्क नाल करो, जे आप लड़न तो आ जाइए गालों पर आ जाइए इट मीन तुम गलत हो, है ना। ये पल्ले कुछ होंदा है वह झुकदा है तो ठहराव नाल गल करदा, इस करके जिहड़ा भी सपोर्ट करन आंदा उहदा सत्कार करो। मैनूं बड़ा बुरा लग्गिया उस दिन। तो लास्ट एक तो दिल्ली दो बोल जरूर सुना दो, तो जिहड़ा अज कहीए कि बंदी सिंघां नूं लैके, खैर मैं पुछना ये चीज़ रह गया, बंदी सिंघां नूं लैके जिहड़ा गाणा मैं सुणिया दुपहरे अज, तो वह लगता नहीं भी थोड़ा जिहा तिखा ज्यादा हो गया? सच हुंदा है तिखा, तिखा हुंदा है, सच कौड़ा हुंदा है, तिखा हुंदा है। हुण जिन्ने अपनी सज़ा भुगत ली है 25 साल की तीह की, लॉकडाउन च सानू 2-2 महीने घर कट्टण औखे हो गए थे, जबकि आपां घर तो बाहर भी निकल सकते, खाना पीना भी साढ़े मतलब का सी। हुण जिस बंदे ने 20-25-30-35 साल है ना सज़ा भुगत लिया, चलो कोई गल नहीं, उन्होंने चंगा माड़ा किया, उसकी सज़ा उन्होंने मिल गई है, पर हुण तो उन्होंने बाहर कढ़ो यार, है ना, उन्होंने माड़ी गल है। पर लगता नहीं कि आखिरकार सरकारां दे एक्शन बहुत, इन्हां दे रिएक्शन बहुत रहे ने एक्शन दे बदले, तो उस चीज़ नूं कितना ना कितने मन च आउंदी नहीं गल? गल तो आउंदी है, हो सकता है भी मैनूं भुगतना भी पवे, है ना, पर साडा जमीर नहीं मनदा भी कुछ ना कुछ तो खड़ी है नाल, सही नूं कह, ज़्यादा नहीं 20-30% तक कहो, क्योंकि यह तो सरेआम हो रहा है ना। जदों राजीव गांधी के कातल बाहर आ गया, सरसेवाला बाहर घूम रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं यार दसो, कारण तो दसो भी ये प्रॉब्लम है जी। लिख जिंदाबाद चलिया नी तेनू दिल्ली, दिल्ली नी जित के पंजाब चलिया नी तेनू दिल्ली, तेनू लंगर छका के अतवाद चलिया नी तेनू दिल्ली। ये गाना भी बिंदर मान जी ने लिखा सीगा, ये भी उही मुंडे दे, उही मुंडा जी, बहुत ही अच्छी कलम है। तो ये गाना जिहड़ा बंदी सिंघां वाला है उसने लिखा, मैं अज रिलीज़ होया, जिन्होंने नहीं सुनिया तो एक बार हॉटशॉट यूट्यूब चैनल ते जाके बंदी सिंह रेशम सिंह अनमोल जरूर सुनियो, सपोर्ट करियो, शेयर करियो, कमेंट करो। मेरे जिहड़े कमर्शियल गाने आ भोरा ना करियो, कोई मैं नहीं कहिंदा, है ना, पर इस गाने नूं जरूर, कल्ले गाने नूं नहीं, ये सोच है, ये अवेयरनैस है, लोगों तक पहुँचाओ। बिल्कुल, ये क्योंकि देखा जाए तो यह सोच बहुत जरूरी होंगी है, जी गल इन्होंने कही है, ये कही है कि हरेक सिंगर, खैर जा कही कि हर कोई भी उस किते वाला नहीं कहता होंगे कि आखिर मेरी कमर्शियल चीज़ में भावें उन्हें ना सुनियो, पर जी असी समाज वास्ते कोई गल कर रहे हैं, कौम वास्ते गल कर रहे हैं, उन्हों जो प्रमोट ज़्यादा करिए कम से कम साथ उस ज़्यादा की लड़ होंगी है। खैर लोग माड़ी करनी तो छेती वग जाते हैं, खैर चंकी चीज़ करनी थोड़ा जहा औखा होंगे, पर अंदोलन लैके जो कही कि खैर सारिया चीज़ा हम लोगों को दोष नहीं देवे, क्योंकि मोर्चे च बहुत रंग भर रहे हैं, तो संगत बड़ी गिणती चाह रही है। मैं ऐ सी मैं क्या उदू बाद फिर लास्ट च, क्योंकि रेशम भाई होना का जोड़ा गाँव जो मैं थोड़ा कहती भी तिखे बोलने थोड़े जे, पर सच्चाई वो कितना कितने दिखती है। हाँ जी, हो सेंटर दे कई बूह साडी छाती पित्तल भर गए, जेलां दे विच मेंटल करते प्रोफेसर पुलर वर गए, कदों छड़ना बंदी सिंगा नू कदों छड़ने दस खबारे, ओ मर्दां दे नाल मत्ता एवें लाना तू सरकारे, कदे दबना चौंदी खेतां नू कदे दबना चौंदी फसलां, ओ तेरे अगे कदे ना झुकणियां ए नल वेदियां नसलां, 47-84 चेते चेते घलूकारे, ओ मर्दां दे नाल मत्ता एवें लाना तू सरकारे, कदे यूनिवर्सिटी कदे पाखड़ा कदे खूना चौंदी पानी, ओ कदे पवित्र पन्ने पाड़े रोली गुरुआं दी बाणी, नक्शा उत्तों फिरे मिटाउंदी माँ बोली दे उड़े आड़े, मर्दां दे नाले मत्था एवें लाना तू सरकारे, ओ सके भरावां नालों वध के पंजाब ते हरियाणा,
यूपी राजस्थान हिमाचल ए भी साडा लाना जाता धर्मां दे विच वंड के तोड़े पाई चारे ओ मर्दां दे नाल मत्था एवें लाना तू सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मोर्चे दे विच लगातार सारे डटे हुए ने ते जे कहिए बाई जी हुणे भी जिथे नाल ये तां है भी आपदी सपोर्ट भी कर रहे ते नाल नाल सेवा भी उरे करदे ने ते इहदे नाल नाल ई भी है कि आखिर जदों लोक जां कहिए संगत जिस तरह दे नाल आउण लग गई आ खैर समा लग सकता पर यह जरूर हो गया कि कितने कितने फतेह हो। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ समीत सिंह रोजाना स्पोक्समैन टीवी चंडीगढ़।